तो गाइस वेलकम बैक टू एपिसोड। तो गाइस रात में गैंगटॉक पहुंचते पहुंचते अपनी वजह से आज के 3 और 3 बजते पहुंचते यार मतलब 3 बजते बजते एकदम हाथ हुए खराब, पूरा पूरा 22 दिन खींच चुके थे। तो जब वापस आए तो ना ब्लॉक किए ना कुछ किए ना खाना खाए, सीधे पूरा सामान ही फेंके और फेंकने के बाद सीधा अपना सो गए एकदम। यही था यार, हालत पूरी खराब हो रखी है। अपनी जैकेट पैंट रेनकोट बैग सैडल बैग टॉप बॉक्स सब का सब बिक चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। देख रहे हैं ये पूरा को एकदम गीला पड़ा हुआ है, ये भी है सब का सब भीगा हुआ है। और अभी अपने को निकलना है सिलीगुड़ी, तो यही जो गीले कपड़े हैं ये पहन के मेरे को जाना पड़ेगा आगे। क्या करते भाई, और कोई और ऑप्शन तो है नहीं, छोड़िए निकलते हैं, कपड़े पहनते हैं, सैडल बैग बांधते हैं बाइक पे, सारा सामान बाइक करते हैं लोड, फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। तो गाइस पैकिंग हो गई है, सारा सामान बाइक पे हो गया लोड, आप देखे ही हैं। अब निकलते हैं यहाँ से सीधा सिलीगुड़ी के लिए, अपना चलने के लिए तैयार। तो अभी चलते हैं, थोड़ा कहीं करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद अपना निकल जाएंगे। अभी तो मौसम तो बारिश बारिश हो रहा है, अब देखते हैं कैसा क्या होता है सीन। सौरभ भाई करते हैं आगे, इन्हीं करता हूँ फॉलो मैं। पर यार मेरी एक एक कपड़ा मेरा भीगा हुआ है, बस जो अंदर का जो मेरे कपड़े सैडल बैग में थे वो बचे हैं, उसको मैं पहना हूँ अंदर। राइडिंग पैंट राइडिंग जैकेट दोनों भीगी हुई है, बताओ तो सब सब कुछ भीग गया है, सब कुछ भीग गया है भाई साहब। और सोच रहे हैं यार कि सिलीगुड़ी स्टे करें कि ना करें, देखते हैं क्या करना है। तो बस अभी हम लोग पहुँचे हैं MG मार्केट यार, यहाँ रखते हैं अपनी बाइक, बाइक रख फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। कैसे यहाँ लगाते हैं अपनी बाइक पार्किंग में यार, कैमरा कैरी करने को जगह है नहीं तो हेलमेट पे लगा लेके मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये अपना MG मार्ग है, बस ये आ गया अपना समोसा और सब्जी, पहली बार ट्राई कर रहे हैं समोसा सब्जी, दिखाते फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। चलिए गैस यहाँ से अपना हो गया ब्रेकफास्ट, लंच लंच ही कह सकते हैं इसको। बारिश शुरू, बारिश लगभग ठीक है। सौरभ भाई चलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे, ऑब्वियसली मीट यू सून। हाँ ओके, होप सो। देखते हैं आज तक कहाँ तक पहुँचते हैं आज, एकदम बट सेफ। हाँ सेफली है, बट बारिश तो फिर शुरू हो गई है, बट देखते हैं। चलो मैं तुम उधर उधर भाग रहा हूँ, तो हाथ धो के तो मैं अरे ना, हम सोचा कि ना यहाँ पे धोने का जगह। चलो यहाँ मिलते हैं, क्या कहते हैं आते हैं फोन करते हैं, ठीक है चलिए बाय 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 बाय। हाँ थैंक यू, चल भाई चल भाई। अरे भाई भाई 3 दिन रह लिया एक साथ। हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है चलिए बाय बाय। ओके चलिए बाय बाय, चल भाई चल बाय बाय बाय, थैंक यू। वो राइड वाला चलते, हाँ हाँ वो मालूम है, ठीक है बाय। चलिए अब चलते हैं यहाँ से अपने बाइक के पास, उठाते हैं बाइक और निकलते हैं सीधा सिलीगुड़ी। तो गाइस यार अब मैं निकल चुका अपना सिलीगुड़ी के लिए, मैप लगा लिया, 112 किलोमीटर, मतलब कि बहुत ज़्यादा है, बट कोई नहीं यार अब जाना तो है यार, अपने को अपने घर पहुंचना है किसी भी कंडीशन में, चाहे जो हो जाए। आगे निकलवाते हैं फ्यूल अप करवा के फिर निकल जाते हैं अपना आगे, अब देखते हैं पेट्रोल कहाँ मिलता है। अरे यार फिर बारिश स्टार्ट हो गई, यहाँ लेते हैं अपना पेट्रोल यार। गाइस यार अभी 1 घंटे से गैंगटॉक के जाम में फंसा हुआ हूँ मैं, बारिश शुरू हो गई तो मेरे को अपना माइक निकाल के रखना पड़ा बैग में, क्या करें भाई साहब, इतना ज़्यादा जाम लगा है ना इधर, क्या बताऊँ अब मैं। तो गाइस फाइनली यार थोड़ी बारिश बंद हुई, मैंने अपना माइक लगा लिया फिर से,
वहां पर माइक लगाना निकालना बड़ी दिक्कत करता है यार। गैस जो भी कहिए यार, इस ट्रिप में मज़ा तो बहुत आया, बहुत एडवेंचर हुआ, बहुत कुछ हुआ। रात के 3-3 बजे हम ड्राइव किए बारिश से पहाड़ों पे, बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में। बस यार एक चीज़ का बस गिल्ट है, एक चीज़ बस वही लग रही है यार कि मैं जिस चीज़ के लिए आया था वो नहीं कर पाया यार। गुरुद्वार लेक और तुम्हारा 0 पॉइंट नहीं हो पाया यार, ना तो काला पत्थर हो पाया, ना तो तुम्हारा फ्लावर वैली करके एक है वो हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया यार। नहीं, इतना परमिट लिया, इतना कुछ किया, सब का सब बर्बाद चला गया। बस देखे मैं क्या देखे, देखे मैं देखे स्नोफॉल देखे बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं देख पाए। यही हुआ यार, अब क्या बताएं। चलिए, अब कुछ लोग कह रहे हैं आप जैन में आइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अप्रैल की मिड में आइए तो आपको सब मिल जाएगा। अब देखता हूँ यार बेस्ट टाइम क्या होता है, पता करता रहूँगा अब मैं कि बेस्ट टाइम आने का अंदर क्या होता है, अप्रैल होता है, मई होता है, जैन होता है, क्या होता है। तो देखो यार, आना तो भाई इस तरफ हर बार है, ये तो है नहीं कि मतलब एक बार आ गए तो आ गए, नहीं, हर साल हर बार। मस्त प्यारे प्यारे व्यू है, इनको आप इंजॉय करिए, मैं भी इंजॉय करता हूँ। जाम मिलना स्टार्ट हो गया है, आई थिंक इस साइड में काम चल रहा है ना, इसलिए इतना रश है। बस भाई स्लिप ना करना। हाँ थैंक यू, विजिट अगेन। हाँ भाई अगले साल अब सिलीगुड़ी 87 रह गया गैस, 87 सिलीगुड़ी है गैस। यहाँ सिलीगुड़ी अपना 76 किलोमीटर। मेरे को लगा था यार कि इस तरह बारिश हो रही होगी, पर जहाँ गए टॉस निकल गया, अब सुकून मिल रहा है, सुकून क्या होता है ना, आप मेरे से पूछिए, बारिश नहीं है ना कितना अच्छा लग रहा है, मैं ही जानता हूँ। पहाड़, स्नोफॉल, माउंटेन्स, रिवर सब अच्छी लगती हैं, बस बारिश छोड़ के यानी तो बारिश कब अच्छी लगती है। बारिश अच्छी लगती जब आप अपने घर पर हो और बाहर खूब तेज हवाएँ चलें बिजली कड़के, और साथ में मम्मी या फिर आपकी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड या फिर भाई बहन कोई भी, एनी वन आपके बना के लेके आए पकौड़ा पकौड़ी चाय साथ में, और आप बालकनी में बैठ के हल्की हल्की पानी की बौछार आ रही है, हल्का हल्का पानी की बौछार आ रही है, उसी बौछार में आप चाय पकौड़े खा रहे हैं, मस्त एकदम व्यू का इंजॉय कर रहे हैं आप अपने घर के बाहर से बैठ के, बिजली कड़कने बारिश होने का व्यू। मैं तो यार ये हमेशा इन्जॉय करता हूँ, जब बारिश होती है मैं तब मम्मी से बोलता हूँ मम्मी ले आओ पकौड़ी और चाय, और मम्मी भी खूब इतना खुश होकर उठती है बना के ले आती है, खुद भी खाती है, फिर हम दोनों माँ बेटे बैठ के अपने बालकनी में अपने छत पे अपने गेट की लॉबी में बैठ के अपना प्यारा व्यू इन्जॉय करते माँ बेटे, खाते हैं बैठ साथ में। ये नहीं कि अब कहीं घूमने निकले हैं तो बारिश शुरू हो जाए तो लगातार बारिश हो 24 घंटे, उसमें गुस्सा आती है भाई, उसमें मज़ा नहीं आता, वो बारिश नहीं चाहिए भाई अपने को, झिम 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 ऐसी बारिश मतलब कुछ भी ना बचे। जान तो रात में क्या हुआ था, रात में जब मैं मंगान पहुँचा, मंगान तक मेरे सारे कपड़े सूखे हुए थे, बस ऊपर से रेनकोट जो थी वो गीली थी और सारे जो कपड़े थे सब सूखे हुए थे। बट मंगान के बाद जब मैं गैंगटॉक तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ भाई साहब, ऐसी अजीब सी बारिश होने लगी, पतली पतली एकदम, कि धीरे 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 आधे घंटे के अंदर मेरा पूरा कपड़ा, पूरा राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, अंदर का स्वेटर, शर्ट, टी शर्ट, अंडरवियर सब के सब भीग गई।
तो मेरा बैग भीग गया, सब का सब कुछ भी नहीं बचा गया, कुछ भी नहीं बचा। ओहो ये वाला जानते गाइस, ये वाला व्यू मैं लास्ट टाइम रिकॉर्ड करना भूल गया था, ये वाला मेरे को ये बहुत सुंदर लगा यार देख के। वाह बीच में प्यारी रोड, बड़े बड़े ट्रीज, यहाँ जिनका घर होगा ना भाई वो जन्नत में होगा भाई, जन्नत में देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। और ये हर टाइम ऐसा रहता है, बारिश होती है भाई कितना मज़ा आता होगा भाई, इन लोगों को कितना मज़ा आता होगा, कितना 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 मज़ा रहा हो। ये ट्रक वाला भाई क्या कर रहा है भाई, इतना तेज़ कौन भगाता है, 80 चला रहा है, जरा पगलाओ के लगे क्या ये भाई, साइड दे दे। साइड तक नहीं दे रहा यार ये तो, थैंक यू। तो गाइस अभी मैं आ रखा हूँ यार 70 किलोमीटर आ गया मैं, 70 किलोमीटर में कवर कर लिया हूँ, और बच्चा अपना 50, ओनली 50 किलोमीटर आर लेफ्ट। तो गाइस मैं अभी सिलीगुड़ी पहुँचने वाला हूँ, बस रह गए 11 किलोमीटर, मतलब कि 8 बजे तक मैं सिलीगुड़ी एंटर कर जाऊँगा। सिलीगुड़ी तो मैं आ चुका हूँ, कैंट एरिया है आर्मी एरिया, तो इसमें थोड़ा सा ओवर स्पीडिंग कर रहा हूँ मैं, बहुत टाइम बाद ऐसी रोड मिली है ना यार, मन कर रहा कितना स्पीड में गाड़ी खींचते हैं, गियर कंपट जा रही मेरे को। तो गाइस फाइनली यार मैं पहुँच गया अपना सिलीगुड़ी, वाह यहाँ जा रहा हूँ अपना होटल में, मैंने होटल ही अपना बुक कर दिया है, अभी होटल है 6.6 किलोमीटर, चलिए होटल ही चलते हैं यार, आप अपना फ्रेश अप होते हैं। और गाइस आप लोगों से यार बस यही रिक्वेस्ट है यार कि वीडियो को लाइक करो यार, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम फॉलो करो, कब करोगे यार कब करोगे, कोई लगता नहीं है मतलब, तो यार वीडियो देखे चले गए बिना लाइक किए, कमेंट किए बिना सब्सक्राइब किए। एक्सक्यूज मी, तो गाइस ये है आज का रूम अपना। गाइस फाइनली यार रात को 8:30 बजे मैं अपने रूम में पहुंचा हूँ, रूम तो आप मैं दिखाई देते स्टार्टिंग में ही, अगर तुम्हें दोबारा देखा तो ये मेरा रूम है, अच्छा रूम है, ठीक ठाक ही है, और ये अपना साइड में हो गया वॉशरूम, यही यार आज का रूम, यहाँ मैं आज स्टे कर रहा हूँ सिलीगुड़ी में। कल निकलूंगा मैं कहाँ, अपना मुजफ्फरनगर या फिर डायरेक्ट इलाहाबाद, वो कल सुबह सोचेंगे कि मुजफ्फरपुर में स्टे करें या फिर निकले इलाहाबाद। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक था, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो है सिलीगुड़ी टू मुजफ्फरनगर या फिर प्रयागराज, ठीक है, चलिए आप आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।